अरे क्या हुआ इसना? कहाँ जा रही है सुबह सुबह इतनी? वो सब छोड़ो, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा की तरह बहुत सुंदर लग रही हो तुम। तो मेरे लिए एक शेर तो ना। शेर? जंगल वाला शेर? हाँ जंगल वाला शेर। सोचता हूँ तो इतनी सुबह सुबह उठा दिया। तुम जो लगती हो इतनी प्यारी, तुम जो लगती हो इतनी प्यारी, लग जाती है उस पे मेरी तनख्वाह सारी। मैं भी ना सुबह सुबह सोचा था कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, मुझे क्या पता था यहाँ पे भी मेरे ऊपर कमेंट पास होगा। इसने इतना अच्छा तो मैंने शेर बोला है, वो भी सुबह सुबह। कहाँ जा रही है फिर वो तो बता दो। मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं तो मैं भी जा रही हूँ। मैंने भी सोचा आज मैं भी मॉर्निंग वॉक कर लूँ। अरे इतनी सुबह सुबह ना जानवरों को एंट्री नहीं मिलती पार्क में। पता है मुझे, तभी तो आपको नहीं लेके जा रही, अपने हस्बैंड को ला रही है। मेरे को पता है जानवरों को एंट्री नहीं मिलती, इसलिए ले जा रही है आपको। मैं तो सो रहा हूँ। अरे यार पति ना अपनी पत्नी को खुश तो रख सकता है, लेकिन चुप कभी नहीं रख सकता। हेलो, हाँ बोलो यशना, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? सो रहा था। और क्या अभी तक सो रहे हो? क्या हो गया? दस बज गए, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। तुम कहाँ पे हो बताओ? मैं मॉर्निंग वॉक पे क्या गया, आप तो अभी तक सो ही रहे हो। अरे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मेरे बिना तो इस घर का कुछ भी नहीं हो सकता। अरे जा रहा हूँ, इतना जा रहा हूँ। अरे यार संडे को भी कोई नहीं सोने देता 10 बजे तक। वेकेशन में शिमला जाने वाले। अरे भाई बर्फ तो फ्रिज में भी होती है, शिमला की जगह फ्रिज में चले जाओ। वैसे तो पानी नल में भी होता है, तो क्या गोवा जाने वाले नल में चले जाएं? चल छोटे, बड़ा आ गया है, रिमोट इधर दे, मुझे क्रिकेट देखना है। दीदी दीदी देखो, चीकू और बंटी कैसे लड़ रहे हैं हमारी तरह टीवी के रिमोट के लिए। देखो कैसे बजाता हूँ इस बंटी की घंटी। तेरा ना मैं ऐसा चीकू मिल्क शेक बनाऊंगा कि घंटी बजनी बंद हो जाएगी। हाँ ध्वनि, ये बंटी बहुत शरारती है, बिल्कुल तेरी तरह पूरा दिन चीकू को तंग करती रहती है। दीदी दीदी चीकू भी ना आपकी तरह बहुत चलाके वो बंटी को परेशान करने के तरीके सुनता रहता है। हाँ वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और एक दूसरे का साथ भी देते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। हाँ दीदी। और हाँ चीकू और बंटी के मम्मी पापा भी उनकी मस्ती और शरारतों से परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल हमारी मम्मी पापा की तरह। इनकी मम्मी तो बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह। बस एक कमी है। वो क्या? हमारे पास बर्फी जैसा क्यूट सा डॉग नहीं है। हाँ जिंदगी, हम लोग भी पापा से बोलेंगे हमें बर्फी जैसा डॉग चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप भी चीकू और बंटी का इंटरेस्टिंग और फनी शो देख सकते हैं अगले चैनल पर हर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे। अरे क्यों हंस रहे हो सुबह सुबह, क्या देख रहे हो टीवी पे? अरे पापा आप जाओ यहाँ से, हम चीकू और बंटी का शो देख रहे हैं। वो निक चैनल पे देख रहे हो क्या? हाँ पापा, आप हमें परेशान मत करो। अरे मेरा भी बहुत मन करता है वो देखने का, लेकिन क्या करूँ, ऑफिस भी तो जाना बहुत जरूरी है। अब हमें देखने दो ना पापा। चलो मैं नहा धो के जाता हूँ। चलो आज तो जिनी ध्वनि का फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ब्रेड पकौड़ा खा के मजा ही आ जाएगा उन्हें। और बच्चों जिन जिन को ब्रेड पकौड़ा पसंद है ना, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक शेयर और क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मोटे मोटे जा 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 मैं
मैंने ना बेटा डाइनिंग टेबल पे आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। अरे क्या मम्मी, वही हर रोज का बोरिंग ब्रेकफास्ट। पापा सही कहते हैं, ये सेंट्रल जेल का ब्रेकफास्ट है। अच्छा, सेंट्रल जेल का ब्रेकफास्ट है? अभी बताऊं मैं आपको। मम्मी मेरा तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, और मुझे ना ऐसा बोरिंग ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है। अच्छा, तो लंच और डिनर एक साथ खिला दूं? बोलो बोलो। नहीं नहीं मम्मी, मैं वो नहीं कह रही, मुझे ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। अच्छा, चटपटी चीज क्या है वो? वो हाथ तो बिल्कुल नहीं है। बोलो, नूडल्स। क्या क्या फिर से शुरू हो गया नूडल का ड्रामा? पेट की भूख मिटाए, दो मिनट में बन जाए। मेरा तो इन दोनों ने नाक में दम कर दिया। ब्रेड पकौड़ा बनाया, वो भी नहीं खाना बच्चों को। मैं क्या करूं? और इन्हें किसे खिलाऊं अब मैं? उसे तो नूडल ही खाने हैं। फिर से नूडल का ड्रामा शुरू हो गया उसका। आने दो प्रिंसेस के पापा को और राज दुलारी के पापा को, नहीं खिलाऊंगी आज ब्रेड पकौड़ा। बनाओ नूडल। सिंगापुरी नूडल खाने मैडम को। मम्मी को कोई वैल्यू ही नहीं है, सारा दिन बस किचन में काम करती रहे सबकी मम्मी। ये तो शुक्र है भगवान ने सोने के लिए ना रात दे दी, वरना 24 आवर्स का ढाबा 24 घंटे ही खुला रहेगा। दो मिनट में बन रही है नूडल। अचार की महक आ रही है, इससे तो चावल खा लेती है चार बजे। ये ले नूडल। हाँ क्या
और वो इतना क्या कर रही हो? इससे पढ़ा रही हूँ मैडम जी, पढ़ती नहीं है आजकल बिल्कुल भी ना। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? करना क्या है, रोज माथा टेक के ना 2000 का नोट चढ़ा। अरे वैसे कहती रहती हो कभी सीरियस हो सीरियस हो सीरियस हो, और आज मैं पहली बार सीरियस हुआ तो 2000 रुपए ले लो मुझसे। क्या हो गया अगर 2000 रुपए दे दोगे तो आप? कोई बड़ी बात है, चढ़ावा चढ़ा दोगे तो? वैसे तो रब दिख रहा है आपको। मैं बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगा दूं? मुझे पता था आप कभी बिना मतलब के लिए ना मेरे लिए गाना, तो क्या एक फूल भी नहीं लाओगे? मैं खाना लगाती हूं। चलो जाओ खाना लगाओ खाना। और भाई ध्वनि प्रिंसेस आप पढ़ रहे हो? ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, बताओ ना कौन से अखबार में छपा दूं मैं? कभी तो सीरियस हो जाया करो, कम से कम अपने बच्चों के लिए सीरियस हो जाया करो, बिगड़ते जा रहे हैं, कहीं उसकी नूडल खाने की आदत फिर से ना बन जाए। तुम क्यों टेंशन ले रही हो, बच्ची है कोई नहीं बनेगी अभी। मेरे को तो खाने ला दो, भूख लग रही है। वही लेने जा रही थी मैं किचन। जल्दी ले आओ, भूख लग रही है बहुत तेज। वाह सामर इडली मजा आ गया। अरे कहाँ जा रही हो? लगता है मम्मी होगी नाराज, खाना खा के मनाने जाता हूँ। मेरे तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। अरे क्या हो गया इसना, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाओ। अरे बताओ तो हुआ क्या? मुझे बात ही नहीं करनी चल। अरे हुआ क्या बताओ तो सही मुझे। मैं को नहीं करनी ना बात, उन्हें बिगाड़ो खूब बिगाड़ो, सारा दिन नूडल खाती है वो लड़की। अरे बच्ची है वो समझ जाएगी। ऐसे समझ जाएगी, बिना समझाए समझ जाएगी। मेरी बात तो सुनोगी? मेरे को नहीं सुननी। सुन लो मेरी एक बात। नहीं सुननी ना। अरे सुन लो ना। अरे कान लाओ ना, फिर कान लाओ। अरे सुन लो तो एक चीज। मुझे नहीं सुननी। ठीक है ना, पहले नहीं बोल सकते थे? तुम सुनने को तैयार थी? उससे पहले नहीं बोल सकते थे? बाहर तुम्हारी लाडली नूडल बना रही थी, अब क्या मैं उसके सामने बोलता? आइडिया सही है। ये आइडिया पता है कैसा है? कैसा है? हमेशा ना घी ना सीधे उंगली से नहीं निकलता, कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। टेढ़ी जैसे खुद टेढ़े वैसे ही बच्चे टेढ़े। अब चलो खाना खा लो, गुस्सा दुख को चलो। कराती हूँ हक्का नूडल।
पेट में आ जाएगी और हमारा तो कार्टून भी खत्म होने वाला है। नूडल नूडल जिन के नूडल। अरे मम्मी मम्मी देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बेटा खाने में तो उससे भी ज्यादा टेस्टी होगा, मेरे तो खुद के मुंह में पानी आ रहा है। तो मम्मी आगे ना नहीं भूखा बेटा, मैंने तो तेरे लिए प्यार से बनाया है। चल छुट्टी। शायद इसका मसाला ऐसा होगा जिन्नी, आजकल नूडल में तरह तरह के मसाले आ रहे हैं ना, तरह तरह के फ्लेवर, तो इस चक्कर में मिर्ची लग गई होगी आपको। हो सकता है मम्मी, पर ये तो बहुत तीखा है। एक काम करते बेटे, मैं दूसरे नूडल्स बना के लाती हूँ आपके लिए, ठीक है? ठीक है मम्मी। इस बार कौन सा फ्लेवर बना के लाऊं? मम्मी जो भी आपका दिल करे वो बना दो, पर ये दोबारा मत बनाना। भले आप खाओगे नूडल आपके? मिलाओ बेटा, अच्छे से मिलाओ, मजे से मिलाओ। इतना नमक डालूंगी, इतना नमक डालूंगी कि गांधी जी की दांडी यात्रा याद आ जाएगी। चलो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ जिनी को नूडल्स देने। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी? अगर नहीं देखी तो जल्दी से क्लिक करके देखो।